नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश दुनिया और राज्यों की तमाम बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अगले 10 साल में रिकॉर्ड संख्या में मिलेंगे नए डॉक्टर। के पटेल धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री। हर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सा शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने पर जोर। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा। दिल्ली में संक्रमण दर 2% से अधिक। बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने जारी की स्कूलों के लिए एडवाइजरी। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। देश में गंभीर आर्थिक संकट के मद्देनजर ईंधन की राशन व्यवस्था लागू। सरकार की विदेशों में रह रहे नागरिकों से मदद की अपील। यूक्रेन पर मिसाइल हमले तेज करेगा रूस। कीव की मदद पर अमेरिका को दी चेतावनी। यूक्रेन से अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन। गुड फ्राइडे आज। वेटिकन सिटी समेत दुनिया भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना। ईसा मसीह के साहस और बलिदान को याद कर रहे हैं लोग। हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो दिनभर सुर्खियों में रही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज अयोध्या में राम जन्मभूमि का दौरा किया। उन्होंने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उपराष्ट्रपति ने यहां राम जन्मभूमि स्थल पर बन रहे भव्य मंदिर के 3D मॉडल पर बनी एनिमेशन फिल्म भी देखी और मंदिर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी प्रवास के दौरान लोकसभा कैंप कार्यालय में आम जन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और यथासंभव समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने अधिकारियों को आम जन के अभावों का निराकरण करने के निर्देश दिए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यूक्रेन और रूस से गेहूं का सर्वाधिक आयात करने वाले देश मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के तौर पर मंजूरी दी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के कारण वैश्विक बाजारों में गेहूं की उपलब्धता में तेजी से गिरावट आई है। ये दोनों ही देश गेहूं के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के प्रधानमंत्री सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी में उनके खिलाफ विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सरदार तनवीर इलियास के समक्ष पार्टी के 25 सांसदों ने उन्हें बदलने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,400 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 20,700 ऐसे मामलों का भी पता चला जिनमें मरीजों में कोविड के कोई लक्षण नजर नहीं आए। संक्रमण के अधिकतर मामले शंघाई में आए जहां पिछले 2 सप्ताह से महामारी के प्रसार को काबू में लाने के लिए लॉकडाउन जारी है। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के कम होते खतरे के बीच प्रतिबंधों को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। लोगों के लिए बंद स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, लेकिन अगर अगले 2 सप्ताह में संक्रमण के मामले और कम हुए तो खुले स्थानों पर मास्क उतारने की छूट दी जा सकती है। नेपाल सरकार ने विदेशों में रह रहे नेपालियों से आर्थिक संकट से गुजर रहे अपने देश के बैंकों में डॉलर खाते खुलवाने और निवेश करने की अपील की है। कोरोना महामारी की वजह से पर्यटन घटने से नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। इस संकट से उबरने के लिए वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने प्रवासी नेपालियों से मदद की अपील की है। यरूशलम में प्रमुख पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद में नमाज से पहले इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच हुए संघर्ष में कम से कम 152 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हिंसा किस कारण से हुई। अमेरिका के न्यू मेक्सिको में जंगल की आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक मकान जलकर राख हुए हैं। लगभग 5,000 लोगों की आबादी वाले रुईदोसो के पर्वतीय समुदाय को निकाला गया। रुईदोसो के स्कूल अगले सप्ताह तक बंद कर दिए गए हैं। जो रूट ने इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट कप्तान पद से त्यागपत्र दे दिया है। रूट का यह फैसला पिछले महीने वेस्टइंडीज से टेस्ट श्रृंखला में 0-1 से हार और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में एशेज श्रृंखला में 0-4 से करारी शिकस्त के बाद आया है। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। आने वाले 10 साल में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 बिस्तरों वाला के पटेल धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करते हुए ये बात कही है। उन्होंने देश के हर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लक्ष्य और चिकित्सा शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया और कहा कि इन पहलों से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती हैं, बल्कि सामाजिक न्याय को भी प्रोत्साहित करती हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। अनेकों सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण भी किया जा रहा है। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण का लक्ष्य हो या फिर मेडिकल एजुकेशन को सबकी पहुंच में रखने का प्रयास, इससे आने वाले 10 सालों में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस पहाड़ी राज्य में विद्यमान संभावनाओं को पूरी तरह से उपयोग करने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 25 सालों में हिमाचल की स्थापना और देश की आजादी के 100 साल पूरे होने वाले हैं। यह हमारे लिए नए संकल्पों का अमृत काल है। इस कालखंड में हमें हिमाचल को पर्यटन, उच्च शिक्षा, रिसर्च, IT, बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में और तेजी से आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश के पास तेज विकास के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है और इनके जरिए उसे समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में अपने योगदान का निरंतर विस्तार करते रहना चाहिए। आने वाले 25 वर्ष में हिमाचल की स्थापना और देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ये हमारे लिए नए संकल्पों का अमृत काल है। इस कालखंड में हमें हिमाचल को टूरिज्म, उच्च शिक्षा, रिसर्च, IT, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग और नेचुरल फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में और तेजी से आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने इस वर्ष मनाई जा रही भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर एक दूसरे को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में वियतनाम के महत्व को दोहराया और मौजूदा पहलू की त्वरित प्रगति के लिए काम करने के अलावा द्विपक्षीय संबंधों के दायरे को बढ़ाने की अपेक्षा की। प्रधानमंत्री ने वियतनाम के बाजारों में भारत के फार्मा और कृषि उत्पादों की पहुंच को और अधिक सुविधाजनक बनाने का भी अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों पर प्रकाश डाला और वियतनाम में श्याम स्मारकों के जीर्णोद्धार में भारत की भागीदारी पर खुशी जाहिर की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में जारी संकट और दक्षिण चीन सागर में वर्तमान स्थिति सहित पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। बात कोविड से जुड़े अपडेट की। देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोविड-19 के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना के दैनिक मामले बढ़ रहे हैं। बीते एक दिन में देश में कोविड-19 के 949 नए मामले सामने आए हैं और सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 11,191 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 133 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दैनिक दर 0.26% और साप्ताहिक दर 0.25% है। दिल्ली में कोविड-19 के दैनिक मामलों में तेजी और संक्रमण दर 2% से अधिक होने के बीच पिछले एक हफ्ते में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की संख्या में लगभग 48% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड संक्रमण दर 1 अप्रैल के 0.57% से बढ़कर 14 अप्रैल को 2.39% हो गई है। घर पर क्वारंटीन में रह रहे मरीजों की संख्या गुरुवार को 574 थी, जबकि 325 नए कोरोना वायरस मामले 2.39% के संक्रमण दर के साथ दर्ज किए गए थे।
दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में दैनिक मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमण दर 4 अप्रैल से 1% से अधिक दर्ज की गई है। 4 अप्रैल को ये 1.34% थी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि राजधानी के स्कूलों या कक्षाओं के जिस हिस्से में COVID-19 के मामले सामने आए हैं उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि विशेष परिस्थितियों में समूचे स्कूल को बंद किया जाना चाहिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया का ये बयान स्कूली बच्चों और अध्यापकों में COVID-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आया है। शिक्षा निदेशालय ने 13 अप्रैल को कोविड पर राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को एक नया परामर्श जारी करके उन्हें निर्देश दिया कि अगर किसी छात्र या अध्यापक के संक्रमित होने की पुष्टि होती है तो पूरे परिसर या खास हिस्से को बंद कर दिया जाए। निदेशालय ने यह भी कहा कि छात्र और अध्यापक मास्क पहने और आपस में दूरी बनाए रखें। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए DDMA की 20 अप्रैल को बैठक बुलाई गई है। स्कूल्स को हमने यही कहा कि अगर कहीं किसी बच्चे को मान लीजिए कोविड होता है या किसी एक पर्टिकुलर विंग को में किसी टीचर को जो अलग अलग क्लासेस में गई हैं उनको कोविड पाया जाता है तो आप उस विंग को या उस क्लास को टेम्परेरली बंद कर दें कुछ दिन के लिए जब डिसीजन लेके उसके बाद फिर से खोल दें। पूरा स्कूल बंद करने के लिए हमने नहीं कहा। और फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश सुमन, फिलहाल कोविड को लेकर देश में और दिल्ली में स्थिति क्या है, इसे कैसे समझें और क्या नए दिशा निर्देश या कहें एडवाइजरी जारी की गई है इसे लेकर? देखिए प्रीति, लगता है कि एक बार फिर हमको उस दौर से गुजरना पड़ेगा जब हम लगातार मास्क, हाथ धोना और सैनिटाइजर का उपयोग करना करते थे। तो अभी जो तत्कालिक तौर पर ये दिख रहा है कि दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में कोविड अचानक फिर से मुँह उठा रहा है और ऐसी स्थिति में बिल्कुल दिशा निर्देश जारी करना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि देखिए अधिकांश बच्चों को भी डबल डोज कोविड का लग चुका है वैक्सीन का और अधिकांश जो पुरुष है, स्त्री हैं, सभी लोगों को, अधिकांश लोगों को डबल डोज लग चुका है और तीसरे डोज बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो गई है और ऐसे में अगर कोविड फिर से सर उठा रहा है तो निश्चित तौर पर काफ़ी चिंताजनक बात है और इसीलिए दिल्ली में फिलहाल तो यह निर्देश दिया गया है कि जैसे ही किसी भी स्कूल में कोविड का एक भी मामला दिखे तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को सूचित करें और उसके बाद किसी भी एक हिस्से को अगर बंद करने की ज़रूरत पड़े तो एक हिस्से को बंद करें, एक क्लासरूम को बंद करें या अगर ज़रूरत हो कि पूरे स्कूल को बंद करना, क्योंकि अगर कोविड पीड़ित कोई छात्र या कोई स्टाफ या कोई टीचर अगर पूरे परिसर में घूमता हो तो ऐसे में पूरे स्कूल को बंद कर दिया जाए। उन्होंने यह कहा है कि ये डिसेंट्रलाइज तौर पे जो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे वो निर्णय लेंगे कि क्या किया जाना चाहिए और इसके अलावा जो मास्क पहनना है, हाथ धोना है और जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है यह पूरी तरह से मैंडेटरी किए जाने की उन्होंने स्कूल में अपील की है। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकती हैं कि एक बार फिर हमें उसी तरह से सावधान रहना है जिस तरीके से कह सकते हैं कि हम 4-5 महीने पहले रहते थे और कोविड आप जानती है कि एक ऐसी बीमारी है जो पूर्व सूचना नहीं देती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसके बाद पूरे समाज को, पूरे देश को चपेट में ले लेती है। इसीलिए कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्ग, बिल्कुल अखिलेश, कहा भी गया था कि छोटी छोटी लहर कोविड को लेकर आ सकती है बार बार और इसके लिए हमें तैयार भी रहना होगा। और अब DDMA की 20 अप्रैल को बैठक है, हो सकता है दिल्ली के मामले में स्थिति की समीक्षा के बाद कुछ नए दिशा निर्देश और जारी किए जाएं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने एक ऐसे उपकरण के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है जिसे सांस के जरिए COVID-19 का पता लगाया जा सकता है। इंस्पेक्ट IR COVID-19 ब्रेथलाइजर का इस्तेमाल चिकित्सकों के कक्ष, अस्पतालों और अस्थायी जांच केंद्रों पर किया जा सकता है। इससे जांच की रिपोर्ट 3 मिनट के अंदर आ सकती है। उपकरण कोरोना वायरस से संक्रमित नमूनों की पहचान करके 91.2% और जो नेगेटिव नमूने हैं उनकी पहचान करके 99.3% सटीक परिणाम देता है। इससे हर दिन 160 नमूनों की जांच की जा सकेगी और इसमें बाद में वृद्धि होने की भी संभावना है। अमेरिका दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के साथ मुलाकात करके व्यापक चर्चा की है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध के वैश्विक प्रभाव के साथ साथ अफगानिस्तान और म्यांमार की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही यूक्रेन युद्ध के वैश्विक प्रभाव, खासकर खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले असर को लेकर चर्चा की है। एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने अमेरिकी समकक्षों एंटनी ब्लिंकन और ऑस्टिन लॉयड के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए पिछले हफ्ते वॉशिंगटन पहुंचे थे।
फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद तमाम राज्यवार खबरें। रोबोटिक्स के इस्तेमाल में हम कितना आगे बढ़े, रोबोटिक्स कैसे हमारे जीवन को आसान और बेहतर बना रहा है, भारत के लिए रोबोटिक्स वरदान या फिर अभिशाप, जानने के लिए देखिए आईआईटी बॉम्बे से न्यू इंडिया डिबेट मेरे साथ शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सनसेट टीवी पर। सोशल मीडिया समाज को जोड़ता है या तोड़ता है, कैसे बनता है सोशल मीडिया पर आम आदमी खास, सोशल मीडिया के क्या है फायदे और सोशल मीडिया के क्या है नुकसान, छोटे से चाय वालों को इतनी इज्जत मिल रही कि आज पूरा देश एक सेलिब्रिटी के रूप में मनाता है। मुझे लगता है सोशल मीडिया आपस से बचने की था, सोशल मीडिया एक ताकत है बिकॉज एक छोटे से डिवाइस और एक छोटे से रूम से आप वर्ल्ड तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, इनफ पॉजिटिव। सोशल मीडिया ताकत है लोगों को जोड़ने की और उन्हें लाइफ में बहुत सारी खुशियां देने। देखिए हेलो इंडिया वीकेंड स्पेशल शनिवार सुबह 8 बजे सिर्फ सनसेट टीवी पर। और आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बसों में महिलाओं का किराया 50% करने का ऐलान किया है। चंबा में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 125 यूनिट तक जीरो बिल दिया जाएगा, साथ ही ग्रामीण इलाकों में पानी का बिल भी माफ किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के जखोल स्थित सोमेश्वर मंदिर के प्रांगण में आयोजित बिशु मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का और मौका मिलेगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपनी सभी राज्य कार्य समितियों, राष्ट्रीय और राज्य कार्य प्रकोष्ठों और प्रवक्ताओं को भंग कर दिया है। पार्टी महासचिव आदित्य यादव ने जल्द ही बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तय करने की बात कही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के मामले में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जांच के बाद सच सामने आएगा, विपक्षी दल खुद की जांचकर्ता, अभियोजक और न्यायाधीश न बने। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना तेलंगाना में राज्य न्यायिक अधिकारी सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे और रिक्तियों को भरना होगा, तभी लोगों को समय से न्याय मिल सकेगा। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पश्चिम बंगाल के हंसखाली में रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। टीम के सदस्य और बीजेपी सांसद रेखा वर्मा ने कहा कि प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री हैं, फिर भी वो पीड़िता के दर्द को नहीं समझती। मदुरै में चिथिरई तिरुविजा उत्सव के दौरान रथ जुलूस के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। कोविड की वजह से यहां पिछले 2 साल के बाद रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें जन सैलाब उमड़ा। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले सप्ताह लू चलने की आशंका है और अधिकतम तापमान बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत के कई शहरों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी और उमस की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने नागपुर सहित कई जिलों में अगले सप्ताह लू चलने की आशंका भी जताई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने तहत आने वाले स्कूलों में प्रवेश के बारे में सांसदों समेत सभी 17 श्रेणियों के विवेकाधीन कोटे पर अस्थाई रोक लगा दी है। अगले सप्ताह कोटे से जुड़े विषय की समीक्षा होने वाली है, ऐसे में कुछ समय के लिए इस बारे में अस्थाई रोक लगाने के लिए कहा गया है। ये अस्थाई निर्देश हैं और केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश से संबंधित सभी 17 श्रेणियों के विवेकाधीन कोटे से जुड़ी हुई हैं। समीक्षा के बाद इस विषय को केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े संचालक बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा, जिसमें किस कोटे को जारी रखना है और किस कोटे को खत्म करना है, इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने भी पिछले साल केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के अपने कोटे पर खत्म करने के लिए कहा था।
और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करेंगे। दुनिया की दो बड़ी साख निर्धारण एजेंसियों ने चेताया है कि श्रीलंका विदेशी कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं रहेगा। रेटिंग एजेंसी फिच ने श्रीलंका की साख को घटाते हुए कहा है कि ये देश अब कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं रह गया है। एक दूसरी क्रेडिट एजेंसी S&P ग्लोबल ने भी श्रीलंका के बारे में ऐसी ही राय जाहिर की है। उसने कहा है कि हालात बेहद खराब हो चुके हैं और इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। श्रीलंका सरकार ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो पिछले 70 साल में सबसे विषम आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं और फिलहाल विदेशी कर्ज चुकाने में असमर्थ हो चुके हैं। इस बीच श्रीलंका ने गंभीर आर्थिक संकट के मद्देनजर ईंधन की राशन व्यवस्था लागू की है। व्यापक विरोध प्रदर्शन, ईंधन और खाद्य वस्तुओं की बेतहाशा बढ़ती कीमतों और बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या से जूझ रहे श्रीलंका ने विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों से आर्थिक मदद की अपील की है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर ने लोगों से स्टर्लिंग पाउंड, अमेरिकी डॉलर और यूरो में मदद भेजने का अनुरोध किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के रूसी क्षेत्र पर दावों के जवाब में कीव पर मिसाइल हमले को बढ़ाने की बात कही है। रूस ने यूक्रेनी सेना पर यूक्रेन से लगे रूसी क्षेत्रों में आवासीय भवनों पर हवाई हमले का आरोप लगाया था। रूस के अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में 7 लोग जख्मी हुए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के चेर्निहाइव क्षेत्र में रूसी सेना ने यूक्रेन के एक MI-8 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराना बंद करें। रूस की ओर से भेजे गए राजनयिक नोट में दावा किया है कि अमेरिका और नाटो देशों की ओर से यूक्रेन को भेजी जा रही खेप के अभूतपूर्व परिणाम हो सकते हैं। उधर काला सागर में तैनात रूसी लड़ाकू बेड़े में शामिल युद्धपोत मोस्क्वा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के बाद डूब गया है। यूक्रेन का कहना है कि उनकी सेना ने युद्धपोत पर मिसाइल हमले किए थे, जबकि रूस ने दावा किया है कि मोस्क्वा आग लगने से क्षतिग्रस्त हुआ और उस पर कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ था। वहीं युद्ध की वजह से अब तक यूक्रेन से करीब 50 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। ये लोग अलग अलग देशों में शरणार्थी बनने को मजबूर हैं। जो देश पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उनके लिए हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में आज दुनिया भर में लोग प्रभु यीशु को याद कर रहे हैं। इसी दिन प्रभु यीशु ने मनुष्यता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। ईसाई धर्म के लोगों के लिए गुड फ्राइडे का विशेष महत्व है, जिसे ईस्टर संडे से पहले वाले शुक्रवार को एक तरह से मनाया जाता है। इस दिन ईसाई धर्म के लोग प्रभु यीशु के क्रूस को याद करते हैं। इस दिन ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। कई लोग प्रभु यीशु की याद में उपवास भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक प्रभु ईसा मसीह लोगों को मानवता, एकता और अहिंसा का उपदेश देकर अच्छाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। धार्मिक अंधविश्वास करने वाले लोगों ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया। जिस दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया उस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी संडे को प्रभु ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए और 40 दिन तक लोगों के बीच उपदेश देते रहे। उनके दोबारा जीवित होने की घटना को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं पश्चिम बंगाल में बंगाली नववर्ष पोहेला बोईशाख की तस्वीरों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।